उसको भी मैं मार डालूंगा। भगवान ने मना किया कि देखो अश्वत्थामा, ऐसी भूल मत करो। सत्य यह है कि द्रौपदी जी के बेटे तो सो रहे थे, पर उत्तरा जी के गर्भ में पल रहा हुआ जो बेटा है, उत्तरा के गर्भ में पल रहा जो बेटा है वो नहीं सो रहा है, वो भगवान वो मेरा भजन कर रहा है, सो नहीं रहा है। उसको तुम नहीं मार सकती, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक बहुत रोचक है गीता जी का। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः प्रणश्यति। यहां सभी टीकाकारों ने बहुत गलती की है, बहुत गलती की है। टीकाकारों ने लिखा हिंदी में भी यही है कि हे कुंती पुत्र, तुम निश्चित जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। पर इन लोगों को इतना भी व्याकरण का ज्ञान नहीं, अब क्या करूं। सारे टीकाकार अब तक जितनी टीकाएं गीता जी में मिली हमें, सब ने गलती की है। प्रति पूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ प्रतिज्ञा होता है, जानना अर्थ नहीं होता। तो जो लिखा गया कि हे कुंती पुत्र तुम निश्चित करके जानो, ये नहीं, इसका अर्थ हे कुंती पुत्र प्रतिजानी ही, तुम प्रतिज्ञा कर लो, तुम प्रतिज्ञा कर लो। क्या प्रतिज्ञा करो भगवान, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान का भक्त नष्ट नहीं होता, ये प्रतिज्ञा तुम कर लो। ब्रजेश जी बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रकरण है यहां का। कौन ते प्रति जानी ही, तुम प्रतिज्ञा कर लो। ये तो साधारण जो वैयाकरण होगा लोग कौमदी जाए वो जान जाएगा कि प्रति पूर्वक ज्ञान धातु का अर्थ प्रतिज्ञा होता, तुम प्रतिज्ञा कर लो। भगवान अर्जुन ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, कहा क्यों, कहा भक्त है आपके प्रतिज्ञा मैं करूं, आप क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर लेते। शिवबरण सिंह जी आप प्रतिज्ञा कर लीजिए। भगवान ने कहा ऐसा है, कृष्णावतार में मेरी प्रतिज्ञा भक्त तोड़ देते हैं, जय हो जय हो, इसलिए मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। रामावतार में मेरी प्रतिज्ञा प्रमाण होती है और कृष्णावतार में भक्त की प्रतिज्ञा प्रमाण होती है, इसे तुम प्रतिज्ञा कर लो। तुम प्रतिज्ञा करोगे, तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा मैं करूंगा। तुम प्रतिज्ञा करो। जहां जहां अर्जुन ने प्रतिज्ञा की भगवान ने रक्षा की। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की मैं जयद्रथ को मारूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा कैसे मारोगे, मैं छिपा के रखूंगा जयद्रथ को, तुम पाओगे नहीं तो कैसे मारोगे। अर्जुन ने कहा यदि नहीं मारूंगा तो अग्नि में जल जाऊंगा। उनका तो नियम है यही, अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न पलायनम। अब आठ अक्षौहिणी सेना अकेले अर्जुन ने मारी उस दिन जी। पर जयद्रथ को नहीं मार पाए। अब भगवान ने सोचा अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर ली, अब तो अनर्थ हो जाएगा, यदि जयद्रथ नहीं मरेगा तो अनर्थ तो होने होना है, अर्जुन अग्नि में जल जाएंगे। ततस्तमो सृजत कृष्ण है, तब भगवान ने क्या किया, अंधकार की रचना कर दिया, सर सुदर्शन चक्र से सूर्य नारायण को ढक दिया।
अंधकार हो गया, एक घंटे पहले अंधकार हो गया, लियो अब सबको लग गया कि रात हो गई, अब तो अर्जुन जली जाएंगे। तो अब द्रोणाचार्य ने जो जयद्रथ को छिपा के रखा था, जयद्रथ आ गया, कहा क्यों जा रहे हो, कहा अर्जुन को चिता में जलते देखोगे बहुत आनंद आएगा। चिता लग गई, अर्जुन बैठ भी गए, युधिष्ठिर को संकेत हो गया कि इनके मुख में आग लगा दी जाए। अर्जुन विलाप भी कर रहे हैं, अभी तुम पीने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा ढको। अर्जुन लाओ, पीने खराब भी हो जाएगी, लाओ।